Hello everyone, welcome back to When, Where, Why, What, How family. In my previous video, I covered it with simple past and past continuous. आज की क्लास में हम past perfect और past perfect continuous से कैसे हम question interrogative sentences बना सकते हैं वो सीखेंगे. सबसे पहले past perfect की identification आप सबको पता है. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये सब कुछ आपको बताया हुआ है. जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज गो थ्रू करो. मैंने अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड पास्ट वाइंड अप कर दिए हैं. आप वहां से जाके अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव की कौन सी फैमिली से बनाना है. ओके, तो हम बात करते हैं. सबसे पहले अगर हमें अपना प्रश्न क्या से पूछना है, या अगर हम जब भी किसी से क्या से प्रश्न पूछते हैं तो इंग्लिश में जो उसकी फॉर्मेशन है वो हमेशा रूल ही रहेगी, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अगर आप कब कहाँ कैसे क्यों से प्रश्न पूछ रहे हो तो इंग्लिश में उसकी जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है WH की फैमिली, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम इंटरोगेटिव वे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी से भी. वो इसीलिए होता है, लैगिंग इसीलिए आती है क्योंकि हमारे माइंड में रूल्स आइडेंटिफिकेशन ही क्लियर नहीं है. नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि मेरी प्रीवियस वीडियोज को देख के आपको ये जरूर हेल्प मिली होगी. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर एक रूल किसी ना किसी फैमिली के साथ रिलेट करता है. सिर्फ और सिर्फ उनमें जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो चेंज हो जाती है. बाकी सब्जेक्ट भी सेम रहता है, ऑब्जेक्ट भी सेम रहता है. सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का करना होता है. जैसे कि आइडेंटिफिकेशन की तरफ देखा जाए तो आइडेंटिफिकेशन जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की थी वही सेम आइडेंटिफिकेशन हमारी पास्ट परफेक्ट की है. द डिफरेंस इज ओनली वहां पे हम हैं हो की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम था थे थी की बात कर रहे हैं. बाकी सब कुछ सेम है. आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो को इस वीडियो के साथ. बस वो अफर्मेटिव में थी, इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट था, ये मेरा इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट फैमिली है. लेट जस्ट कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. सबसे पहला एग्जांपल है, क्या पिताजी ने नया घर खरीदा था. अब मेरा ये जो वाक्य है ये क्या से शुरू हो रहा है. अगेन मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी वाक्य जो क्या से शुरू होगा उसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारी हैड से बनेगी. तो ये जो हमारा वाक्य इंग्लिश में चेंज होगा वो बनेगा, हैड फादर परचेज्ड अ न्यू हाउस. क्या पिताजी ने नया घर खरीदा था. ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास, क्या तुम चले गए थे. तो इसकी इंग्लिश है, हैड यू गॉन. नेक्स्ट मैंने लिखा है, रोहन कब पढ़ने आया था. तो इस वाक्य में मेरी जो शुरुआत है वो क्या से ना होकर कब कहाँ कैसे से हो रही है, और वो आ रहा है मेरे वाक्य के बीच में. तो इसका मतलब ये मेरा स्टैंड करेगा इस रूल के साथ, दैट इज WH की फैमिली. तो ये हो जाएगा, व्हेन हैड रोहन कम फॉर स्टडी. रोहन कब पढ़ने आया था. इस तरीके से आप इस रूल, इस फॉर्मेशन की हेल्प से आप जितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं प्लीज बनाइए. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंट यू विल बी एट इंग्लिश. यू जस्ट नीड प्रैक्टिस. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली की तरफ. उसमें हमें जो पहचान है, अगेन जो भी पहचान हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थी इंटरोगेटिव वे में, वही पहचान हमारी यहाँ पे भी है. बट फर्क यही है, वहां पे हमने है हो की बात करी थी, यहाँ हम था थे थी की बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल से पहले हम अपने रूल की तरफ एक बार ध्यान दे देते हैं. क्या से अगर आप वाक्य पूछोगे तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारी रहेगी, हैड बीन
सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। अगर आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत या अपना क्वेश्चन डब्ल्यूएच की फैमिली से पूछना चाहते हैं, जिसमें आपका कब कहाँ कैसे क्यों आ रहा है, तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो रहेगी डब्ल्यूएच हैड बीन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ये वाला सारा रूल और ये वाला सारा रूल सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है वो हमारा डब्ल्यू एच का है। सेम यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एच। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि ऑब्जर्वर बनो, जितने अच्छे आप ऑब्जर्वर बनोगे द क्विकली यू वुड लर्न टेंसेस एंड हैव अ वेरी गुड कमांड एट इट। ओके, अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल में मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखा है, क्या तुम यहाँ 10 साल से काम कर रहे थे, तो इसकी जो इंग्लिश फॉर्मेशन है वो बन जाएगी हैड यू बीन या हैड बीन यू, दोनों सही है। आप बीन और सब्जेक्ट के बीच में स्वैपिंग कर सकते हैं, इट्स दोनों के दोनों सही होंगे। हैड बीन यू या हैड यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। अब मैंने यहाँ पे 4 इस करके लगाया है बिकॉज 10 years कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, 4। नेक्स्ट है, क्या वह दोपहर से कुछ सोच रहा था, तो इसकी जो इंग्लिश में फॉर्मेशन बनेगी वो बनेगी हैड बीन ही थिंकिंग समथिंग सिंस आफ्टरनून। अब दोपहर जो है ये मेरा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम अपने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस है मेरा, सोहन 1 साल से किसके साथ रह रहा था, तो यहाँ पे हमारी जो शुरुआत है वो होगी विद होम से, क्योंकि मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का यूज किया है किसके साथ, तो किसके साथ की इंग्लिश होती है विद होम हैड बीन सोहन लिविंग फॉर एन ईयर। 1 साल से सोहन किसके साथ रह रहा था। आई होप अब आपको अच्छे से प्रेजेंट फैमिली और पास्ट फैमिली में इंटरोगेटिव फॉर्मेशन कैसे बनानी है सेंटेंसेस की वो आ गई है। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ आप देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सेंटेंसेस हमें कैसे फॉर्म करने। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट मोर एंड लाइक। आप सब कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।